मॉमीज एंड डैडीज, आज का वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे टीथिंग फेस से गुजर रहे हैं। तो इस वीडियो को उन पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनके ये काम आएगा। वेलकम टू पायल्स लाइफ कोचिंग, लेट्स ग्रो टुगेदर। टीथिंग फेस थ्योरेटिकली 3 मंथ्स से 3 इयर्स तक माना जाता है, पर जनरली बच्चों के टीथ आफ्टर 6 मंथ्स आने शुरू होते हैं, जो जनरली देखा गया है। ऐसे में बच्चे बहुत अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कई बच्चे रात को उठकर रोने लग जाते हैं, बहुत क्रैंकी होते हैं, उन्हें फीवर आता है। एंड टू द एक्सट्रीम मैंने एक पेरेंट का ऐसा भी सुना है कि उनका बच्चा अपना सर फ्लोर पर, दीवार पर, टेबल पर, कहीं पर भी उठाकर पटक देता है, क्योंकि उस बच्चे के ऑलमोस्ट सब टीथ एक साथ ही आ रहे थे। सो दिस इज़ द एक्सट्रीम केस, इट इज़ नॉट टू बी गेट स्केयर्ड अबाउट। आइए एक पेरेंट से सुनते हैं उसके बच्चे में वो क्या क्या सिम्टम्स टीथिंग के देख रही हैं। हाय, दिस इज अलीशा पारवानी एंड आई हैव अ 10 मंथ्स ओल्ड डॉटर। मेरे बेटे के लिए टीथिंग प्रॉब्लम काफ़ी रही है, जैसे जो उसके गम्स हैं वो काफ़ी स्वेल हो चुके हैं, तो इस हिसाब से फिर उसको बहुत इरिटेशन होता है, ईटिंग होती है, कैच चिल्लाने लगती है, कभी क्रैंकी हो जाती है, उसको कुछ भी उठा के सीधा मुंह में डालती है। उसको सोने में भी प्रॉब्लम हुई है, बीच में उसको डायरिया हो गया था और उसको एपेटाइट भी उसका काफ़ी कम हो चुका है। ये पूरा प्रोसेस है एज अ मदर मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए बहुत पेनफुल रहा है। मेरी डॉटर के टीथ कब निकले बाय गॉड्स ग्रेस मुझे पता ही नहीं चला, थैंक्स टू द मैजिक पिल्स दैट आई वॉज गिविंग टू हर राइट फ्रॉम 6 मंथ्स ऑफ हर एज। उन मैजिक पिल्स के बारे में मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बच्चों के जब मिल्क टीथ निकल रहे हों तो केयरटेकर्स को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या होम रेमेडीज या और कोई रेमेडीज करनी चाहिए, आइए उनके बारे में समझते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, टीथिंग जेल्स का इस्तेमाल ना करें। टीथिंग एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए कोई भी जेल या एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करना अवॉइड कीजिए। ये जेल्स गम्स से ब्लड स्ट्रीम में जाकर बच्चों को हार्म कर सकती हैं, दैट्स व्हाई। सेकेंड टिप इज, बच्चों के लिए कैरेट, कुकुम्बर, एप्पल, इनकी लॉन्ग स्टिक्स कट करके आप फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी बच्चों के दांतों में इरिटेशन हो, वो मुंह में उठाकर कुछ भी डालने लगे, ऐसे में उनको आप ये स्टिक पकड़ा दीजिए। ये ठंडी ठंडी चिल्ड स्टिक्स उनको सूद करेंगी और उनके इरिटेशन में उनको रिलीफ करेगी। आप ऐसे में टीथर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्रॉपरली क्लीन हो, वॉश्ड हो, और वो 30 मिनट से ज़्यादा उसको आप फ्रिज में ना रखिए, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी टू फ्रॉस्टी फॉर द चाइल्ड। एक बहुत ही टेस्टी ट्रीट आप बच्चों को इस फेस में दे सकते हैं, आप एक आइसक्रीम मेकर में फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क को फ्रीज कर सकते हैं और वो फ्रोजन लॉलीपॉप और आइसक्रीम आप बच्चों को एज अ ट्रीट दे सकते हैं, क्योंकि वो आइस्ड है, चिल्ड है, इसलिए वो बच्चे को रिलीव करेगा। दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज हाइजीन। टीथिंग के दौरान बच्चे कुछ भी उठाकर मुंह में डालते हैं, चाहे वो बेडशीट हो, कर्टेन हो, टॉयज हो, इसलिए द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि बच्चों को डायरिया, लूज मोशंस टीथिंग की वजह से नहीं बल्कि अनक्लीन चीज़ें मुंह में डालने की वजह से होता है। सो ये केयर टेकर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर को साफ रखें, और स्पेशली वो चीज़ें जो जल्दी बच्चा मुंह में डालता है, दैट शुड बी क्लीन रेगुलरली। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि टीथिंग के दौरान कुछ बच्चों के मुंह से सलाइवा गिरता रहता है, जिससे उन्हें ड्रूलिंग रैश हो जाता है। सो टू प्रिवेंट दैट, बच्चों के नेक पर एक क्लीन बिब लटका कर रखिए, जिससे आप बीच बीच में क्लीन करते रहें, और बच्चे के चीक्स पर वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगाएं ताकि स्किन क्रैक ना हो। लास्ट बट नॉट ट्रूली द लीस्ट, वो मैजिक पिल्स जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में मेंशन किया था, कैल्केरिया फॉस, वो मैजिक पिल्स हैं जो आपके बच्चों के टीथिंग को आसान बना देता है। कैल्केरिया फॉस गम से टीथ को आसानी से निकलने में मदद करती है, जिससे बच्चे हर चीज उठाकर मुंह में नहीं डालते, देयर बाय उनको थ्रोट और स्टमक में इन्फेक्शंस नहीं होते। ये ऐसे कैल्शियम सप्लीमेंट हैं जो कि आप अगर लॉन्ग टर्म भी बच्चे को देंगे तो उसके किडनी में स्टोन नहीं बनेगा। ये इनफैक्ट बूढ़ों को भी दिया जा सकता है, जिससे उनके डाइजेशन और बोन्स की प्रॉब्लम कम हो। ये मेडिसिन आपको सिर्फ होम्योपैथिक स्टोर्स में मिलेगा। अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन बाय फ्रॉम देयर एज वेल। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी एक्सपीरियंस टू शेयर, देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। हेलो, अगर आपको मम्मा के साथ ग्रो करना है तो पायल्स लाइफ कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए ऑल के बटन को प्रेस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही, बट बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करना।
ताकि मेरे जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों का भला आ जाए। आप मम्मा को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।